हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने मंगाया है एक क्लिपिंग मशीन, जिसका मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ, उसका डेमो भी करने वाली हूँ, अपने हेयर पर ही मैं करूँगी। तो आप भी अगर क्लिपिंग मशीन खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिल ही जाएगा इस वीडियो से। क्योंकि आप अगर खरीदना चाहते हो तो अगर अच्छा लगे तो आप ले भी सकते हो, और अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं भी ले सकते हो। कम प्राइस में है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, लेकिन मैं अपने ही हेयर में डेमो करूँगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा ये अच्छा है कि नहीं है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और पास में बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले, उसको जरूर दबा दें ताकि नई नई वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए अब ये वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। आप देख सकते हो मैंने इनोवा कंपनी का ही मंगाया है। मैंने ये देख सकते हो इनोवा कंपनी का क्लिपिंग मशीन है, बहुत छोटा है, लेकिन अब देखते हैं ये कैसा है। ये हम पहले डेमो करेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये कैसा है, क्योंकि प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा कम है, प्राइस ज़्यादा भी नहीं है। वैसे तो आप अगर कंपनी का लेने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, जो सभी इसको ख़रीद नहीं पाते हैं, क्योंकि हम भी नहीं कर पाते इतने महंगे क्रिम पे मशीन। तो मैंने सोचा चलो कम प्राइस में ही आज मैं क्रिम पे मशीन का डेमो दिखाऊँ, और आप लोगों को भी अगर अच्छा लगे तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है ना? तो आप देखो इस तरह से पैकेजिंग में तो बहुत अच्छा आया है, और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है। आप मीशो से और भी कम अमेजोन कहीं से भी आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी का। तो इस तरह से ये देख सकते हो, इसमें सारे डिटेल लिखे हुए हैं पहले से ही, ये आप देख सकते हैं इसमें सारे डिटेल हैं। इसमें आप पढ़कर भी इसका कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको दिखाने तो वाली हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ओके, और ये आप देख सकते हो इस तरह से प्लेट है ये, और ये प्लास्टिक का बॉडी है पूरा, और इसमें यहाँ बटन है, ऑन ऑफ करने का बटन है यहाँ पर, और यहाँ पे जैसे हम ऑन चलाएंगे ना तो इसमें लाल बटन जलेगा इसका, और इसको ऑन ऑफ करके अगर आपका तेज हो जा रहा है तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, नहीं तो इसको इस तरह से ऑन करके रख सकते हो। टेम्परेचर का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है कि इसमें जैसे ये बटन बिल्कुल बंद नहीं होता, रेड बटन आपको बंद करना पड़ता है, क्योंकि आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा ज़रूर। तो ये आप देखो इस तरह से बिल्कुल नया है, मैंने अभी खोला है, निकाल के भी मैंने किया भी नहीं, और इसका ये देख सकते हो तार भी बहुत बड़ा है, केबल जो है ठीक है, जैसे हम चाहते हैं उतना बड़ा तो है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है ये, तो इस तरह से है। और अब मैं इसको गर्म करके दिखाती हूँ आपको, और डेमो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आसपास मेरा स्विच है नहीं, तो मैं इसको गर्म करके लेके आऊँगी, उसके बाद ही आप डेमो दिखाऊँगी कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है? तो मिलते हैं इसको गर्म करने के बाद। तो मैं थोड़ा सा हेयर का सेक्शन कर लूँगी इस तरह से, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, क्योंकि क्रिम्पिंग थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए। तो मेरा क्रिम्पिंग मशीन बिल्कुल गर्म है, और इस तरह से हम लगाएंगे और इस तरह से दबाते जाएंगे। जैसे ही हम दबाएंगे ना तो आप देखोगे कितने अच्छे से क्रिम्पिंग हुआ है हेयर, ये आप देख सकते हो कितने आसानी से और कितने जल्दी क्रिम्पिंग मशीन से हमारा हेयर क्रिम्पिंग हुआ है, आप देख ही सकते हो। और इसके बाद थोड़ा सा और हम हेयर लेंगे, मैं पूरे हेयर में तो कर नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो अब फिर से मैं करूँगी। अब देखो इस तरह से करेंगे और दबाते जाएंगे, दबाने से ही ये अच्छे से क्रिम्पिंग होगा। और मैंने इसमें अलग से वॉइस इसलिए डाला है ताकि आप लोग सुन पाओ, मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा कम आ रहा था इसलिए मैंने दोबारा सा वॉइस डाला है इसमें। तो ये आप देख सकते हो कितने आसानी से क्रिम्पिंग हुआ है, और मैंने स्विच में भी लगाया ही नहीं, एक बार ही मैंने स्विच में लगाया था, और हेयर कितना बाउंसी दिख रहा है और कितना अलग लग रहा है, मेरा लुक ही चेंज हो चुका है। तो इस तरह से मैं अब इधर भी लूँगी और इसको अच्छे से दबाते जाना है। ये आप देखो इधर भी कितने अच्छे से क्रिम्पिंग हुआ है, और हेयर में कितनी अलग ही चमक आ रहा है, और देखने में भी मेरा हेयर कितना अलग दिख रहा है। और अब
कहीं भी शादी पार्टी और कहीं पे भी अगर जाना चाहते हो ना हेयर को खोलकर, और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, तो आप इस तरह से क्रिम्पिंग करके जा सकते हो। और इसका प्राइस मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा कम है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी इसका प्राइस। तो ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्रिम्पिंग हुआ है हेयर, और कितना अच्छा लग रहा है मेरा लुक पहले का और आपका कितना अलग है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो आप इसको ले सकते हो। मैंने इसके सारे डिटेल दे दिए, इसके डीमो भी मैंने आपको दिखाया है कि ये कैसा है कैसा नहीं है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो मैं इस तरह से फिर से करूँगी दोबारा से, और अपने हेयर को एकदम अलग चेंज लुक दे सकते हो क्रिम्पिंग से। हम पार्लर जाते हैं, कितना खर्च करते हैं, वही आप सस्ते में अपने घर में ही कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसका प्राइस है, का प्राइस है 250, सिर्फ 250। 250 में मुझे इतना अच्छा क्रिम्पिंग मशीन मिला है, आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से क्रिम्पिंग हुआ है। और अगर हम अच्छे से करेंगे ना पूरे हेयर में, तो मेरा पूरे हेयर में मैंने किया नहीं, तो ये आप देखो कितने अच्छे से क्रिम्पिंग हुआ है और हेयर मेरा कितना मतलब जैसे फ्लैट था और कितने अच्छे से बाउंसी सा बन गया है, और चमक भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से चमक भी रहा है हेयर, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है और आप भी लेना चाहते हो तो इसको ज़रूर ले सकते हो। और ये है इनोवा कंपनी का और सस्ता है, 250, सॉरी 250 का है, 250 रुपये का है, कितना सस्ता है। और महंगे लेने जाओगे तो आपको पता है कितने का, 2,500, 1,000 से ऊपर का ही आता है। और मैंने इसको डेमो करके भी आपको दिखाया है कि ये कैसा है, अच्छा है कि ख़राब है, तो आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, लगाने से पहले थोड़ा सा हेयर में पहले लगाएं, उसके बाद आप हेयर में लगाएं, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा गर्म हो जाता है और हम लगा लेते हैं तो हमारे हेयर ख़राब हो जाएंगे, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इतनी जल्दी से हीट हो जाता है ना, आप मतलब 1 मिनट रखोगे तो ही ये क्रिम्पिंग पूरा गर्म हो जाएगा और आपका हेयर में क्रिम्पिंग कर देगा, उससे ज़्यादा ना रखें। उसमें वैसे भी पूरे डिटेल लिखे हुए हैं, आप डिटेल देख भी सकते हो, डिटेल पढ़ के भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है, अगर आपको भी पसंद है और हेल्पफुल लगे ना वीडियो, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।